जब भी विश्व में राजस्थान की बात की जाती है तो यहाँ की कला, संस्कृति और लोक नृत्य के बारे में सुनकर हर कोई रोमांचित हो जाता है। पधारो म्हारे देश और केसरिया बालम जैसे गीतों की मीठी मनवार और घूमर जैसी सादगी भरे नृत्य राजस्थान को एक अलग ही पहचान दिलाते हैं। राजस्थान की ऐसी ही लोक कला का एक अभिन्न हिस्सा 13 ताली नृत्य भी राजस्थान को विश्व भर में एक अलग पहचान दिला चुका है। भक्ति गीत के साथ पाली जिले के छोटे से गांव पादरला से शुरू हुई इस लोक कला को आज पूरा विश्व मानता है। हाथ और पैरों में अलग अलग मंजीरे पहन महिलाएं जब भक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति देती हैं, तो ऐसा एक भी दर्शक नहीं जो झूम ना उठे। मैं परंपरा से 5 पीढ़ी से भी 13 ताली कार्यक्रम करती आ रही हूँ और मेरे बेटा की बहू को भी सिखा रही हूँ और मैं पेरिस, स्विट्जरलैंड, स्पेन में भी 13 ताली का कार्यक्रम करती आ रही हूँ। बताया जाता है कि 13 ताली नृत्य राजस्थान के पाली जिले के पादरला गांव से शुरू हुई थी। यहां निवास करने वाली कमांड जाति द्वारा पहले बाबा रामदेव और अन्य लोक देवताओं के कथावाचन किए जाते थे। इन कथावाचन के साथ ही महिलाओं द्वारा अपने हाथ और पैर में मंजीरे पहन घरेलू काम करने के तरीकों को नृत्य में बदला गया। धीरे धीरे इस कला में बदलाव आते रहे और ये लोगों को पसंद आया, जिसके बाद ये कला धीरे धीरे राजस्थान में फैलने लगी। आज़ादी के समय इस कला का काफी प्रचलन राजस्थान में बढ़ा। कार्यक्रम परंपरा से करती आ रही हूँ। मैं 5वीं पीढ़ी की 13 ताली कलाकार हूँ। हमने विदेशों में भी 13 ताली का कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं। स्पेन, इटली, अमेरिका, अपने अनेक देशों में भी 13 ताली का कार्यक्रम कर चुके हैं। इस 13 ताली नृत्य में अधिकतर महिलाओं द्वारा घर में किए जाने वाले कार्य जैसे कि बिलोना, साफ सफाई करना, फसलों को काटना और अन्य कार्य करना दिखाया जाता है और उन्हीं कार्यों को इस 13 ताली नृत्य में पिरो दिया जाता है। इस नृत्य का समापन कृष्ण भक्ति के साथ किया जाता है, जहां कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाया जाता है। ईटीवी भारत के लिए पाली से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट।